आज एक बार फिर कटिहार के बारसोई में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब इमादपुर पंचायत पोखर के पास सामने से आ रही ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि मोटरसाइकिल पर बैठे सभी लोग दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 वर्षीय बच्ची आयन खातून की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हुआयों की कंडेला पटोल के निवासी मोहम्मद नाहिद आलम, मोहम्मद मजहर और शगुफ्ता परवीन अपनी 2 वर्षीय बच्ची आयन खातून के साथ इलाज के लिए बारसोई आ रहे थे। जैसे ही यह सभी लोग इमादपुर पंचायत के पोखर के पास पहुंचे, सामने से आ रही ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से मां की गोद से छूटकर 2 वर्षीय आयन खातून सीधे ट्रक के नीचे चली गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं सभी लोग जमीन पर गिर गए। बच्चे की मौत से परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसे कैसे क्या हुआ? लेडीज इधर से आया है, उत्तर तरफ से लेडीज आया है और पूरा तरफ से वो बड़ा गाड़ी आया है, वो इधर से गया है, वो उधर से पास, वो बहुत पीछे से आया है, वो ठोक दिया इसको, इस नाच रहे हम दौड़ के आए हैं तब वो ठोक दिया। हां, ट्रक पिकअप में था जी। हाँ, ये लोग जा रहा था, ये लोग जा रहा था, इसका कोई बिल्कुल नॉर्मल है। कितना आदमी था ये लोग? इस 2 गाड़ी में 2-2 कर 4 हुआ। अच्छा, बच्चा का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, बच्चा का। और वो सब का स्थिति? वो सब वो लोग का भी बहुत जला है, लड़का सब। आपका यही घर है? क्या नाम है? मम्मा खाती। स्थानीय लोगों ने 3 घायलों को इलाज के लिए बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जैसे ही इस घटना की सूचना बारसोई पुलिस को मिली, बारसोई थाना अध्यक्ष पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नहीं नहीं, एक्सीडेंट करे यहाँ अपनी वही। दूसरी ओर पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाली ट्रक को तलाश करने में जुट गई है। सादा बदल नहीं आ रही।